देखते हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। ठीक है, इसमें हम f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 0.25 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.05 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। 24 5 4 कितने होते हैं 100। आपने ये 100 मान के चलना है। ठीक है, अब पॉइंट लगाना है। देखो पॉइंट कितने डिजिट हैं, 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एफ माइनस, अब 0.25 को 3 से करेंगे कितना आएगा 25, 3 आर कितने होते हैं 75। ठीक है, पॉइंट का कितने डिजिट हैं 2 हैं, 1 2 1 2, यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से 0.5 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 50, यहाँ भी कितने डिजिट हैं 1 2 1 2। ठीक है, फिर 9 को करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 9 5 r 45, यहाँ पर भी डिजिट 2 हैं 1 2 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप एफ वाली टर्म को इकट्ठा करो, 1.00 एफ को हम एफ लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के आगे जीरो है तो हम इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 1f, तो 1f को हम एफ लिख सकते हैं। एफ माइनस आगे क्या है 0.50, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 और एफ का एफ इक्वल टू माइनस का 0.45 और प्लस, माइनस है इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 0.75। ठीक है, अब एफ, एफ मतलब 1, ये 1 है और इसमें से हमने माइनस करना है 0.5 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, 1 के साथ तो लगानी है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे 1 के आगे पॉइंट लगा देंगे और 0.5, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर 0, ये 1 कट हो जाएगा, यहाँ 10 देंगे। ठीक है, तो 0.5 एफ आएगा इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 0.75, 0.45, यहाँ 0 यहाँ 0, 0.3। ठीक है, ये माइनस करके ये आ जाएगा 0.30, देन एफ इक्वल टू 0.30 अपॉन, इसको नीचे ले गए 5 6 r 30, एफ इक्वल 0.6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कॉपी में नोट कर लिया।